युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत द्वारा स्वातंत्र वीर सावरकर का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया था, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जमनालाल बजाज बिल्डिंग में होने वाली सभा को रद्द करने का प्रयास किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद थे। दरअसल कुणाल राउत द्वारा राष्ट्र संत तुकड़ो चिम्बाराज विश्वविद्यालय के जमनालाल बजाज प्रशासकीय बिल्डिंग के क्षेत्र में स्वतंत्र वीर सावरकर का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ी मात्रा में तीव्र असंतोष उमड़ पड़ा, जिसके बाद भाजपा ने राउत पर कार्रवाई की भी मांग की, लेकिन फिर भी इस मामले में विद्यापीठ प्रशासन मौन रहा और कोई एक्शन नहीं ली गई, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा विश्वविद्यालय की प्रबंधन सभा को खंडित किया गया, जहां बिल्डिंग में प्रवेश कर भाजयुम के कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से नारेबाजी की, तो वहीं कुणाल राउत के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। इस समय भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शिवानी दानी बखरी, बादल राउत, रितेश पांडे, प्रसाद मुजुमदार आदि पदाधिकारियों समेत भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में मौजूद थे। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष डिमरी की रिपोर्ट।